जनता को सिखाते हैं अनुशासन में रहना, तो वहीं खुद ने उड़ाई कायदे कानून की धज्जिया। चंडीगढ़ के ट्रैफिक मार्शलों पर ये कहावत बिल्कुल सही है, दूसरों को कायदा कानून सिखाते हैं, लेकिन खुद इन्होंने रविवार को सरकार द्वारा जारी किए गए कोरोना को लेकर निर्देशों की उस समय धज्जिया उड़ाई जब ये सेक्टर 48 स्थित कम्युनिटी सेंटर में बगैर इजाजत लिए इकट्ठा हुए और एक बैठक का आयोजन किया। ये बैठक डीआईजी द्वारा मनोनीत किए गए चीफ मार्शल सुरेश कुमार के खिलाफ बुलाई गई थी, जबकि दूसरी तरफ मार्शल लॉ पीके अग्रवाल का कहना था कि कोरोना को लेकर मीटिंग बुलाई गई थी। देखिए बुलाई बैठक में कोरोना की चर्चा थी या चीफ मार्शल को हटाने की, जरा देखें। जो उसके अंदर सीटीएम के अंदर उन्होंने ऑलरेडी डाला है कि विद द कंसेंट ऑफ मुझे कल सुबह एक मेरे ट्रैफिक मार्शल का फ़ोन आया कि पीके अग्रवाल जी, जेएस सरपाल, जगदीश दीवान और गुरजीत सिंह मिलके कोई एक मीटिंग कॉल कर रहे हैं जिसमें सारे ट्रैफिक मार्शल्स को वो बुला रहे हैं, जो कि जिसकी उन्होंने ना डीएजी साहब से, ना डीएसपी एडमिन से, ना हमारे सीटीएम साहब से, सीटीएम साहब के एब्सेंस में सीटीएम का काम मैं देख रहा हूँ, ना मेरे से कोई परमिशन नहीं। मैंने पीके अग्रवाल जी को फ़ोन किया कि अग्रवाल जी क्या कर रहे हो, वो कह रहे जी हम तो मीटिंग करेंगे। मैं कह जी आपने किसी से परमिशन ली? कहते नहीं जी हमें कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, हम तो सभी ट्रैफिक मार्शल्स की मीटिंग कॉल करेंगे और एक सख्त एक्शन लेंगे। मैं कह चलो जी मेरा समझाना फर्ज था, मैंने आपको समझा दिया है। ये बात जो है ये मैंने डीआईजी साहब को इंटीमेट कर दी थी कि जी इस किस्म से कोई ये तीन चार लोग मिलके कोई अनऑथराइज मीटिंग, इलीगल मीटिंग कॉल कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने आज शाम की मीटिंग रखी हुई थी 48 का जो कम्युनिटी सेंटर है वहाँ पे इनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे सुनने में आ रहा है कि ये मीटिंग छोड़ के भाग गए। इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं कहना। मीडिया वगैरह का भी मुझे पता लगा है कि मीडिया भी आया था, मुझे नहीं पता कि मीडिया किसने बुलाया, कैसे पहुंचा, क्या खबर थी, पर मुझे इतना पता है कि 65 साल से ऊपर जो लोग हैं वो कोविड-19 में घर से बाहर नहीं निकल सकते और ये मीटिंग करना तो बहुत। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।